हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के जो इस बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने लेक्चर नंबर जो हमारा इस सीरीज के लेक्चर्स नंबर 5 से लेक्चर नंबर 9 तक कवर कर दिए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 5 से लेक्चर नंबर 9, वो सारे देखो, क्योंकि उसी के बेस पे हमने सारे इलस्ट्रेशंस कर दी थी और अब उनके अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम रिकॉल करेंगे कि हमने पार्टनरशिप में एडमिशन में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि या तो हमें कैपिटल और चाहिए या तो हमें उस पार्टनर उस बंदे की मैनेजमेंट स्किल चाहिए। उसके बाद हमने बोला था क्या चीज़ होगा। सबसे पहले हमने बोला जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। अगेन एडमिशन क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन पीएसआर से हो सकता है, उसी तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन से भी हो सकता है। तो एडमिशन में सबसे पहले क्या होगा, दो पार्टनर है, एक और पार्टनर आएगा, अब वो क्या करेगा, नया प्रॉफिट शेयर रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब न्यू पीएसआर होगा तो जो ओल्ड पार्टनर है उनका कुछ सेक्रीफाइस होगा। तो हमने सीखा था सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाला, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाला, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों सीखा था, क्योंकि आज तक के जितना भी मतलब गुडविल जो है वो गुडविल तो उनकी मेहनत थी ओल्ड पार्टनर्स की, अब उसका फायदा जो सुपर प्रॉफिट्स होंगे इसको मिलेगा, तो इसको बोलेंगे तू उनको कंपनसेट कर दे। किस रेशियो में कंपनसेट करेगा, जितना इसका गेन हो गया वो कंपनसेट करेगा उनको उनके सेक्रीफाइस के रेशियो में, तो सेक्रीफाइस। फिर हमने सीखा था गुडविल का कैसे अकाउंटिंग करेंगे, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। फिर गुडविल में भी पढ़ा था अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी जो तुम पुराने लेक्चर्स में देख सकते हो। उसके बाद हमने देखा रिवैल्यूएशन करेंगे उसने जिसने एडमिशन हो गया, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में होगा। इसी तरह से जो रिजर्व है, एक्युमुलेटेड लॉसेज है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, वो सारे भी ओल्ड पार्टनर का है तो ओल्ड पार्टनर में जाएगा। उसके बाद हमने सीखा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर डिसाइड करेंगे कि अब कैपिटल को एडजस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम उस दिन बेस लेंगे कैपिटल, या तो नया पार्टनर जो प्रॉफिट लाएगा, नया पार्टनर जो कैपिटल लाएगा उसको बेस बनाएंगे, उस हिसाब से देखेंगे टोटल फर्म की कैपिटल कितनी चाहिए, ए का कितना होना चाहिए, बी का होना चाहिए, सी का कितना होना चाहिए, और वाइज वाई देखेंगे कितना है। तो अगर किसी को कम होगा ओल्ड पार्टनर में वो और कैपिटल लाएगा, और किसी का ज्यादा है तो वो या तो निकाल देगा या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और क्या सीखा था हमने सर, और सीखा था हमने हिडन गुडविल। अगर नया पार्ट गुडविल क्वेश्चन में नहीं दिया है बट इसको हम बोल रहे हैं तू और पैसा ला, मतलब तू इतना पैसा लाएगा, तो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल गुडविल कितना है, तो वो सारा चीज़ हमने वहाँ पे सीखा था। तो लेक्चर नंबर 5 से लेक्चर नंबर 9 तुम्हें सारा देखना पड़ेगा, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ठीक है, तो अगर तुमने वो नहीं देखे हैं तुम वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लो, अब आ जाओ। अगर तुमने वो देख लिए हैं तो अब तुम अपनी बुक में पेज नंबर 4.88 पे आ जाओ, तो यहाँ से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हम करेंगे। ठीक है, पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, इसके लिए तुम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 3 पहला है जो तुमने बोला है सर क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिखा दो, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, अगर आपके पास बुक नहीं है फिर भी देख लो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो दो पार्टनर थे एक्स और वाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 था। दे एडमिटेड जेड, तो इन्होंने जेड को लाया फॉर 1/4 ऑफ द शेयर, इसको बोला तेरा शेयर रहेगा 1/4। जेड एक्वायर्ड ए शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये जो 1:4 था ये इसको मिल गया एक्स और वाई से 3:1 में, 3:1 में। अब हमें क्या बोलना है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो इसको जो 1/4 मिला, इसको जो 1/4 मिला मतलब चार में से अब एक हिस्सा इसको मिला, वो एक हिस्सा इससे किससे लिया, उसके एक हिस्से के चार हिस्से हो गए। सपोज इसको इतना हिस्सा मिल गया, ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है, ये इसको मिल गया, ये इसने 3:4 में लिया, ये इसने 3:4 में लिया एक्स से, मतलब इतना हिस्सा उसने एक्स से लिया है। ठीक है, ये इसने एक्स से लिया है और ये इसने वाई से लिया है। अब तुम्हें क्या बोलना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयर इसका तो पता है 1/4 है, इनका कितना है वो कैसे पता चलेगा, सर हम देखेंगे इसका कितना था ओल्ड, सर इसका ओल्ड था 5-8, ये इसका ओल्ड था, इसमें से माइनस करेंगे सेक्रीफाइस, इसमें से माइनस सेक्रीफाइस करेंगे तुम्हें क्या निकलेगा, न्यू शेयर निकलेगा इसका, ये फॉर्मूला आएगा। हाँ सर, एक्स का पहले था 5/8 माइनस इसमें से सेक्रीफाइस कितना होगा इसका, उसका न्यू शेयर सेक्रीफाइस कितना होगा, अगर मैं देखूंगा एक्स का सेक्रीफाइस, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है, एक्स ने किया है 1/4 का 3/4,
उसको कितना मिल रहा है वाई को, जड़ को, सर 1/4, तो 1/4 का कितना एक्स दे रहा है, 3/4, तो एक्स का सेक्रीफाइस कितना हो रहा है सर, एक्स का सेक्रीफाइस हो रहा है 3/16, तो एक्स का पहले था 5/8, उसमें से 3/16 इसने किसको दिया, तो एक्स न्यू शेयर कितना है, ओल्ड कितना था इसका 5/8 माइनस इसमें से इतना इसको कितना दिया सर, इसको दिया इसने 1/4 का 3/4, 3/16, तो इसका कितना हुआ 8 और 16 का एलसीएम 16, 8 2 जा 16 बनेगा, तो 5 2 जा 10 माइनस यहां तो कुछ नहीं किया 3, तो इसका न्यू शेयर रहा 7/16। इसी तरीके से तुम क्या करोगे, ये एक्स का हो गया, वाई का करोगे, वाई का कितना था पहले सर, वाई का 3/8 था, माइनस वाई का सेक्रीफाइस कितना है सर, वाई ने किया है 1/4 का 1/4, क्योंकि ये एक इनसेल्फ 1/4 है, इसमें से वाई कितना बियर कर रहा है, वाई कर रहा है बियर 1/4, तो इसका आएगा 1 1 1 1/16, तो 1/16 ये बियर कर रहा है, तो इतना इसका सेक्रीफाइस है 16, 3 2 जा 6 माइनस 1 5/16, तो इसका अगर है x का अब आया 7/16 और इसका आ रहा है 5/16, तो इसका कितना है 1/4, 1/4 को क्या करेंगे 4/4, तो ये आएगा 4/16, तो इसका आएगा 4/16, तो न्यू प्रॉफिट शेयर का 7 5 4, मतलब अब 16 हिस्से जो होंगे 16 में से 4 हिस्से इसको मिलेंगे, एक 4 में से एक मिलेंगे, तो 16 में से कितने मिलेंगे 4, और बाकी जो बचा वो 7:5 में करेंगे, तो यहाँ पे हमने वो नहीं किया कि इन्होंने 5:3 में कर दिया सेक्रीफाइस, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था कि इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया वो 3:1 में कर दिया, तो इसको 1/4 मिला वो इन्होंने 3:1 में किया, तो हमने क्या निकाला पहले x का कितना सेक्रीफाइस हुआ 3/16, वाई को कितना सेक्रीफाइस हुआ 1/16, तो उनके ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो हमें उनका न्यू निकला, x का निकला 16 में से 7 हिस्से x को मिलेंगे और इसको 16 में से 5 हिस्से मिलेंगे, तो इसको हम प्रोपोर्शन करने के लिए इसको 4 में से 1 मिलेंगे तो 16 में से इसको 4 मिलेंगे, तो अब अगर हम 16 हिस्से करेंगे 7x को मिलेंगे, y को 5 मिलेंगे, z को 4 मिलेंगे, 7 5 12 और 4 16, ठीक है, अब हमें प्रॉफिट जो आएगा उसके 16 हिस्से करेंगे और इस रेशियो में हो जाएगा, तो कैसे किया ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं बार बार बोल रहा हूँ अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो तुम्हें समझ आएगा कि क्या चीज़ है, कौन किसको दे रहा है, वो तुम्हें समझ आएगा, वरना तुम्हें वो चीज़ समझ आएगी फिर तुम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया, ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर लो, मैं तुम्हें समझा दूंगा, अगर तुम्हें फिर भी ऑफ फ्रॉम और इस सब चीज़ में दिक्कतें आ रही है, ठीक है, अगर दिक्कतें आ रही है तो इट मीन्स या तो आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है या आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, बाकी कंसेप्चुअली कोई गलती नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम लोगों ने बोल दिया है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केस में तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ब्रो, केस 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5, तुम्हारे दो पार्टनर है ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयर रेशो जिसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो 7:5 है, मतलब 12 हिस्से अगर करेंगे 7 हिस्से ए को मिलेंगे, बी को 5 हिस्से मिलेंगे, दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इन टू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 इन द शेयर, तो इन्होंने बोला सी को लाएंगे उसको 1/6 मिलेगा, मतलब अब प्रॉफिट्स में से 1/6 को मिलेगा, ही एक्वायर शेयर दिस शेयर एज 1/14 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, तो इसको क्या मिला 1/24 ए से मिला और 1/8 बी से मिला, तो यहां पे देखो क्या चीज था, वहां पे क्या था, वहां पे था कि जो 1/6 जो है पहले क्वेश्चन में था 1/4 इसको मिला 3:1 में, यहां पे ये लाइन नहीं है, यहां पे इसने बोला 1/24 इसको ए ने दिया, 1/8 इसको बी ने दिया, अगर इन दो को टोटल करोगे ना वो 1/6 आएगा, देखो 24, 1, 8 3 जा 4, 5 बाई, एक मिनट, 84, 3, 1 प्लस 3, तो 4/24, 1/6, तो ये 1/6 कैसे हो गया, 1/24 इसको A ने दिया, 1/8 इसको B ने दिया, वहां पे क्या था, वहां पे इसको था 1/4 जो इसको मिला वो A और B ने 3:1 में दिया, यहां पे वो लाइन नहीं है, यहां पे लाइन क्या है,
1/24 A ने दिया, 1/8 B ने दिया, तो बहुत आसान है। A का पहले कितना था, 7/12, इसमें से क्या किया इसने, इसमें से 1/24 इसने, ये ओल्ड था तो ये यहां पे सेक्रीफाइस है, खुद ही क्वेश्चन में दिया है, ये सेक्रीफाइस है, ये इसको एक्स ने ए ने दिया, ये इसको वाई ने दिया, इन दो का टोटल करोगे तो 1/6 आएगा। वहां पे वो लाइन नहीं था, वहां पे था 1/4, उसको 3:1 में मिला, यहां पे है 1/24, ये एक हिस्सा है 1/24 जो उसको ए ने दिया, 1/8 इसको बी ने दिया, इन दो को जब तुम मिलाओगे उसने अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा दिया, कितना दिया 1/24, मतलब उसने बोला मैं अपने प्रॉफिट के अगर जो मुझे मिलता था उसका अगर 24 हिस्से करूंगा एक हिस्सा मैं तुझे देता हूँ। इसी तरह से बी ने बोला अगर मेरे प्रॉफिट जो मुझे मिलता था उसके 8 हिस्से करेंगे तो वो मैं तुझे देता हूँ, प्रॉफिट का मतलब जो टोटल प्रॉफिट का अगर 24 हिस्से करेंगे एक हिस्सा मैं तुझे देता हूँ, तो इसको क्या करेगा -1/24 करेगा। अब इसको करो, 24 2 7 2 14 -1 = 13/24, ये ए का हो गया। अब इसी तरीके से बी का क्या हो जाएगा, सर बी का हो जाएगा 5/12 - 1/8, 12, ठीक है, मैं इसको 24 में लाऊंगा, ठीक है, मैं दोनों को 24 में लाऊंगा, इन दोनों का एलसीएम करोगे वो 24 आएगा, तो 12 को क्या इंटू करेंगे वो 24 बनेगा 2, तो वो उसके न्यूमिरेटर को करूंगा 10, 8 को क्या 24 इंटू करूंगा 3, वो इसके न्यूमिरेटर को करूंगा -3, तो इसको 7/24। इसी तरीके सी को क्या हो जाएगा, सी का है 1/6 × 4/4 = 4/24, तो अब तुम्हें 24 हिस्से करने पड़ेंगे, तो ए को मिलेगा 13 हिस्से, बी को मिलेगा 7 हिस्से और सी को मिलेगा 4 हिस्से, 13:7:4, समझ आई बात। पहले क्वेश्चन में क्या था, 1/4 शेयर जो उसको मिलेगा वो इसको ये 3:1 में दे रहे थे, तो हम बोले थे ए का सेक्रीफाइस इतना है बी का सेक्रीफाइस, बट यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे खुद ही बोला है 1/24 ए दे रहा है, तो ए का सेक्रीफाइस 1/24 है और बी ने 1/8 दिया, तो बी का सेक्रीफाइस 1/8 है, तो मैंने बोला ए को पहले 7/12 था, इसमें से इसने 1/24 किसको दिया, बी सी को दे दिया, तो अब इसका बचा 13/24 और इसी तरह से इसने इतना दिया तो इसको बचा 7/24 और सी का 1/6 था × 4/4 तो इसको बचा 4/24। अब दूसरा पार्ट देखो इसका, पार्ट पार्ट ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, अब अगर इनका 3:2 है, क्या है 3:2 है, 3:2 दे एडमिटेड सी, अब इन्होंने सी को एडमिट कर दिया, दे एडमिटेड सी, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी एंड बी सब बी 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब देखो यहां पे लाइन क्या है, अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हुआ। अब बोल रहा है ए ने क्या कर दिया, ए ने सेक्रीफाइस कितना कर दिया, ए ने जो सेक्रीफाइस कर दिया, ए सेक्रीफाइस, ए ने क्या किया, ए को कितना मिलता था 3/5, ए ने किया सरेंडर 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट कितना मिलता था 1/5, इसने क्या किया इसका 1/5 ए को दे दिया, सी को दे दिया, तो इसने क्या किया 3/25 इसने सरेंडर कर दिया, तो ये इसका सैक्रिफाइस हो गया। अगर ये इसका सैक्रिफाइस हो गया तुम्हें क्या नहीं है न्यू प्रॉफिट शेयर, तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो न्यू रेशियो निकाल सकते हो, न्यू शेयर कितना है, हाँ सर न्यू शेयर है इसका ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है, तो इसका आएगा 3/5 - 3/25, ठीक है, 5/5 = 25, 5/3 = 15 - 3, सर इसका शेयर आएगा 12/25, समझ आई बात। इसने कितना सेक्रीफाइस किया, सर इसने अपने प्रॉफिट का 1/5, इसका प्रॉफिट कितना था 3/5 का 1/5, मतलब 3/25 इसने सी को दे दिया, तो सी को मिला अभी 3/25, किससे मिला इसको, सर ये इसको मिल गया ए से, और अब क्या मिलेगा इसको देखते हैं बी से क्या मिलेगा, बी सेक्रीफाइस कितना है, सर बी का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सर बी कर रहा है 2/5 ऑफ शेयर, बी को कितना था 2/5, तो ये इसका 2/5 दे रहा है, इसका शेयर 2/5 था, इसके 2/5 वो किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, तो इसको कितना हो गया 5/5 = 4, तो ये 4/25 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये अपना 4/25 सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, तो इसका अब कितना रहेगा न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर कितना है सर, वो आएगा ओल्ड
ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, सर ओल्ड इसका 2/5 है, इसमें से माइनस 4/25 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको शेयर कितना मिलेगा सर? 25, 5 2 10 माइनस 4 6/25, तो अब इसका बचेगा 12/25, इसको 6/25, और इस जानान को क्या हो गया, इसको इसने 3/25 दे दिया, उसने 6/25 दिया, टोटल हो गया 25, 4 + 3 = 7, तो C का शेयर मिलेगा 7/25, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो इज 12:6:7, समझ आई बात? यहां पे क्या लिखा था, A ने इतना सेक्रीफाइस कर दिया अपने प्रॉफिट का, वो किसको दिया, C को दिया, वो कितना आया 3/25, तो B ने कितना सेक्रीफाइस किया, B ने 4/25, तो इसने 3/25 दिया, इसने 4/25 दिया, टोटल कितना हो गया 7/25, अब इस बेचारे को पीछे कितना बचा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस विच इज 12/25, इसका ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस विच 6/25, द न्यू प्रॉफिट शेयर इज 12:6:7। क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोगों ने बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स लाइक सेम, इज सेम लाइक दैट। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 8 लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है अमान जैसा तुमने ये क्वेश्चंस कर दिए, तो सिर्फ तुम्हें इंग्लिश देखना है क्या है। अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस के बगैर भी जो अमान ने मुझे दे दिए है कोई और क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो फिर मैं तुम्हें उस पर वॉइस नोट भेजूंगा या मैं तुम्हें यहाँ से ही फ़ोन करूँगा। डायरेक्टली फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा ऑफिस हो सकता है कभी भी, तो ऑफिस आवर में कॉल नहीं उठा सकता, बट क्योंकि अननोन नंबर से कॉल आएगा तो मुझे उठाना पड़ेगा, तो बट मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा तब ऑफिस आवर में, तो आप क्या कर देना मुझे मैसेज कर देना, तो मैं मैसेज करके मैसेज के बाद आपको जितना जल्दी हो सकेगा रिवर्ट करूँगा, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर, छोड़ो जो भी है हम क्वेश्चन देखेंगे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3, तो दो पार्टनर है हमारे, एक ए है और बी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। अब क्या हो गया है, ए सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर, ए ने क्या किया, ए ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/7 ऑफ हिज शेयर, मैं अभी लिख रहा हूं जो क्वेश्चन बोल रहा है, उसके बाद बी सरेंडर्स कुछ मुश्किल नहीं है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो मैं न्यू प्रॉफिट शेयर, तो क्या मुश्किल है इसमें, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/7 ऑफ 7/10, इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/3 ऑफ 3/10, तो इसका सेक्रीफाइस कितना होगा 7/70, इसका सेक्रीफाइस कितना होगा 3/30, तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, अब न्यू होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो इसका ओल्ड कितना था 7/10 माइनस 7/70, 7 × 10 = 49 − 7 = 42/70, इसी तरीके से इसका कितना होगा सर, इसका अब ओल्ड कितना था 3/10, सेक्रीफाइस कितना किया 3/30, 3 × 9 − 3 = 12/30, ठीक, और उस जाना को कितना मिला होगा, सी को मिलेगा 7/70 उसका प्लस 3/30, ठीक है, तो इसको अगर यहां पे कैलकुलेशन करोगे 7 × 6 = 42, 7 × 10 = 70, इसको करो 3 से 3 × 4 = 12, 3 × 10 = 30, 4/10, अब इसको देखो, इसको कैंसिलेशन कर सकते हो तुम पहले ही, कैसे 7 × 1 = 7, 7 × 10 = 70, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, अब देखो कितना है 10, 1 + 1 = 2, तो नया प्रॉफिट शेयर क्या निकला 6, कुछ गलत हुआ हमारा, 6 × 4 ये गलत हो गया, एक मिनट में जस्ट देख लेता हूँ, सेवन बाय टेन, तो इसने 1/7 ऑफ हिज शेयर इज 7/10, 7 × 1 = 7, 7 × 10 = 70, ठीक, एंड बी ने कितना सरेंडर कर दिया, 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ 3/10,
थ्री वन जा थ्री, थ्री टेन जा थर्टी, ठीक। अब ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड क्या था सेवन बाई टेन, माइनस सेक्रीफाइस कितना था सेवन बाई सेवेंटी, ठीक। सेवेंटी टेन सेवन जा सेवेंटी, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, ठीक। यहाँ तो कुछ नहीं किया, माइनस सेवन इजिकल टू फोर्टी टू बाई सेवेंटी, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, सेवन टेन जा सेवेंटी, ठीक। इसका कितना था थ्री बाई टेन, थ्री बाई टेन इसका ओरिजिनल था ए और बी का, हाँ। इसमें से आप थ्री बाई थर्टी कर दिया तो ये थ्री हो गया, थ्री थ्री जा नाइन माइनस थ्री, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई। नाइन माइनस थ्री इज गोल्ड सिक्स, सिक्स बाय थर्टी। अब चलाओ सिक्स का करो, थ्री से करना है क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे टेन लाना है। थ्री टू जा सिक्स, थ्री टेन जा थर्टी, तो टू बाई टेन आया, तो ये आएगा थ्री सिक्स इज टू टू इज टू टू। या फर्दर कैंसिलेशन देखो, फर्दर कैंसिलेशन देखो, हाँ सर फर्दर होता है, टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, तो न्यू प्रोफेशन को थ्री इज टू वन इज टू वन। ये बहुत आसान था, कुछ इसमें खास है नहीं, एनी वेज तुमने क्वेश्चन दिया था। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, कोई मुश्किल बात है? इसको क्या मिल रहा है वन बाई टेन, वन बाई टेन, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है वन इज टू वन। वो कैसे निकाल सकते हो, सेक्रीफाइस न्यू माइनस ओल्ड इज द सेक्रीफाइस, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज द न्यू, न्यू माइनस ओल्ड इज द सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इसका सेवन बाई सेवेंटी, इसका थ्री बाई थर्टी, तो करोगे वन बाई टेन, वन बाई टेन इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है। क्वेश्चन नंबर इलेवन भी तुम लोगों ने बोल दिया तो मैं पढ़ूंगा क्या है। सिंह गुप्ता एंड लाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ टू थ्री टू, दैट मीन जैन इज न्यू पार्टनर, सिंह सरेंडर्ड वन बाई थर्ड ऑफ शेयरिंग फॉर जैन, गुप्ता सरेंडर्ड वन बाई फोर्थ ऑफ शेयरिंग फॉर जैन एंड लैंड सरेंडर वन बाई। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंह दे रहा है वन बाई थ्री ऑफ थ्री बाई तीन, पहले कितना था तीन और दो पांच और तीन आठ, थ्री बाई एट, तो सिंह क्या दे रहा है वन बाई थ्री ऑफ थ्री बाई एट, तो वो एक शेयर आएगा। इसी तरह से लाल जतिन वो दूसरा क्या दे रहा है, जैन क्या दे रहा है वन बाई फोर, वो कितना दे रहा है वन बाई फाइव, उन तीनों को मिलाएगा तो उसका आएगा, और उनका अपना ओल्ड मैंने जो सेक्रीफाइस आएगा उतना वो दिया। जैसे इस क्वेश्चन में अपना सेक्रीफाइस कितना था वो था, तो बहुत आसान है ये भी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन, ये तो न्यू हो गया, न्यू और ओल्ड, न्यू प्रॉफिट शेयर और सेक्रीफाइस हमने कर दिया। न्यू के लिए फॉर्मूला बहुत आसान था, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस में तुम्हें देखना है ऑफ इज ईयर था, फ्रॉम इज ईयर था, क्या था वो तुम्हें सिंपल इंग्लिश है वो देखना है तुम्हें, और फिर सिंपल मैथमेटिक्स करके तुम्हें निकल जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर एडमिशन के वक्त हम सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, जो ऑलरेडी हमने लास्ट क्वेश्चन लेक्चर में कर दिया था, मतलब जो तुम्हारा गुडविल वाला लेक्चर था वहाँ पे तुमने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन वो सब कुछ कर दिया था। अब वो गुडविल क्या आ गया, नया पार्टनर जो है वो लाएगा अपना शेयर ऑफ गुडविल, जितना भी उसको प्रॉफिट शेयर रेशियो मिल रहा है, सपोज वन बाई फोर है और गुडविल का वैल्यू थर्टी टू थाउजेंड है, थर्टी टू थाउजेंड इंटू वन बाई फोर उतना वो प्रॉफिट लाएगा, ठीक है, उतना वो सॉरी गुडविल का शेयर लाएगा। और ये पार्टनर्स, दो पार्टनर्स को मिलेगा इन दियर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्यों, गुडविल आप समझ लो सुपर प्रॉफिट है फ्यूचर के, जिसमें आप सी शेयर लेगा इसमें अपने न्यू पी एच प्रॉफिट शेयर रेशियो में, और उन बेचारों को सेक्रीफाइस होगा तो वो आज उनको कंपनसेट करेगा, ठीक है। अब गुडविल में बहुत सारे तरीके हैं, गुडविल कैश में लाया नहीं लाया जो भी है, तो अब तुम लोगों ने जो सारा हमने कर दिया है तो वो गुडविल वाला लेक्चर देख लोगे तो मैं क्लियर हो जाएगा। तो एनीवेज अब तुमने ये क्वेश्चंस बोले हैं तो मैं ये क्वेश्चंस थोड़े थोड़े दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयर इन प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4 इज टू 3, तो एक आध क्वेश्चन में पहले बनाऊंगा फिर बाकी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, अगर मुझे कुछ इसमें लगेगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर मुझे सिंपल लगेगा तो मैं जस्ट बोलूंगा कि ये सिंपल है तुम कर सकते हो, उसके बाद भी तुमसे नहीं हुआ वट एवर द रीजन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ओवर व्हाट्सएप। अगर वहाँ पर भी समझ नहीं आया देन वी विल हैव अ वॉइस कॉल, फिर वहाँ पर समझने कुछ करके। बट अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ गो विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कभी कुछ रटा मत रखो, छोटा सा छोटा चीज़ भी हो ना, छोटा से छोटा डाउट भी हो ना, प्लीज़ फील फ्री, मुझे अपना बड़ा भाई समझ लो, कोई शर्माने की बात नहीं है। जैसे तुम घर में अपने बड़े भाई को बोल सकते हो, कुछ भी डाउट बोल सकते हो, कोई सिल्ली कितना भी सिल्ली डाउट होगा तुम वो मुझे बोलो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बहुत आसान तरीके से समझाने की, कितने भी मेहनत मुझे लगेगी बट मैं वो मेहनत करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि शर्माओ मत, ये मत सोचो कि सर बोलेगा इसको ये भी नहीं आता, मैं तुम्हें नहीं जान रहा हूँ तुम कौन हो, ना ये मैटर करता है कि तुम्हें क्यों नहीं आता है, ठीक है। बस अपने लॉजिक्स पे जाओ, अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है रट्टाबाजी बंद करो। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई, वहाँ पे भी कैटेगरी बोला कि अब जो बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे वहाँ पे बिल्कुल ये नहीं देखा जाएगा कि इसको कितनी लर्निंग है, रट्टा वट्टा कितना लगा है, बल्कि वो देखेंगे इसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कब आएगी, जब तुम लॉजिक्स को समझोगे। तो कोई भी चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में परेशान कर रही है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड में, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, ये डेबिट क्यों हो रहा है, वो इलेवंथ का डाउट भी हो सकता है, सिंपल मैथमेटिक्स भी हो सकता है, बट
और लॉजिक्स को अपने स्ट्रांग करो, क्योंकि आगे जाके लॉजिक से ही तुम्हें काम आ जाएंगे और लॉजिक से ही तुम्हें कॉन्फिडेंस होता है। रट्टा तुम्हें बहुत आगे नहीं पहुंचा देगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो फील फ्री तुम मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 तुम लोगों ने बोल दिया है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो दो पार्टनर थे ए और बी, जो प्रॉफिट शेयर रेशियो इनका 4:3 था, दैट्स ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। दे एडमिटेड सी एज द पार्टनर इन अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7। अब इन्हें सी को लाया और सी को बोला भाई तेरा शेयर जो होगा वो 3/7 तुझे मिलेगा। एंड द न्यू रेशियो विल बी 2:3:2:3। तो अब जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो वो है 2:2:3, 2, 2, 4 और 3, 7, 3/7, इसको उतना मिल रहा है, ठीक। सी ब्रॉट 2 lakh एज इज गुडविल कैपिटल एंड 60,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। तो इसने क्या लाया सी ने, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसने गुडविल का पैसा कितना लाया, गुडविल के लिए इसने कितना लाया 70,000 और 60,000। इसने 60,000 गुडविल के लिए लाया, ठीक, दैट इज हिज शेयर फॉर द गुडविल जो इसका हिस्सा था 60,000। हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाई एन फर्म कैलकुलेट सैक्रीफाइसिंग रेशो एंड पास नेसेसरी चलते। तुम्हें क्या करना है सैक्रीफाइसिंग रेशो, तो सैक्रीफाइसिंग रेशो कर सकते हो, हाँ सर सैक्रीफाइसिंग रेशो तो ओल्ड बहुत आसान है, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रीफाइस। तो ए का कितना था सर, इसको ओल्ड था 4/7, अब इसको है 2/7, तो इसका सैक्रीफाइस हो गया 2/7, ये ए का हो गया। सर बी का ओल्ड था 3/7, अब इसका है 1/7, सॉरी इसका 2/7 है तो इसका 1/7 है, तो इनका सैक्रीफाइसिंग रेशो है 2:1। सीधी सी बात है ना, इसको 2/1 तो सैक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। तो गुडविल का जो 60,000 है, 60,000 को क्या करेंगे 2:1 में करेंगे, ए को 40,000 मिलेगा और इसको 20,000 मिलेगा। अब क्या करना है तुम्हें, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जब ये कैश लाएगा, कैश कितना ला रहा है सर, ये कैपिटल के लिए ला रहा है, कैपिटल के लिए ला रहा है 2 lakh, कैपिटल के लिए ला रहा है 2 lakh, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, कैश आएगा बिजनेस में, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, किसका, सी इज कैपिटल अकाउंट। कैश कितना आया सर, कैश आएगा 2,60,000। सी की कैपिटल में कितना जाएगा सर, सी की कैपिटल में 2 lakh आएगा और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल ये कितना ला रहा है 60,000, ये 60,000 किसको मिलेगा सर, ए और बी को मिलेगा इन देयर सैक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, प्रीमियम फॉर गुडविल को करेंगे डेबिट 60,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, इसको 40,000 मिलेगा, इसको 20,000 मिलेगा, ये फ्यूचर के प्रॉफिट है जो आप सी लेगा, ठीक है। और अब क्या है, अब बोरा क्वेश्चन में इन्होंने हाफ निकाला है, तो 20,000 निकाला होगा, इसने 10,000 निकाला होगा, तो एंट्री क्या करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना निकाला है इसने, इसका आधा निकाला है 20,000 और इसने भी अपना आधा निकाला है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 30,000। कोई मुश्किल बात है नहीं सर, सैक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, जितना ये गुडविल ये लाया वो उन दो को सैक्रीफाइसिंग रेशियो में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। तो हमने पढ़ा था अगर गुडविल बुक्स में है तो उसको ओल्ड को राइट ऑफ करोगे, न्यू के लिए ये ट्रीटमेंट करोगे। ओल्ड को क्यों राइट ऑफ करोगे, गुडविल वाले लेक्चर में मैंने बहुत आसानी तरीके से वो समझा दिया है। तो ओल्ड वाला जो परचेज गुडविल है उसको हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो ओल्ड रेशियो 5:3 था, दे एडमिटेड जेड फॉर द 1/3/10, जेड को 3/10 व्हिच वाज शेयर ऑफ प्रॉफिट टेकन बाय जेड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो मतलब 1/2 इसका 3/10 का इसने दे दिया, तो डेढ़ इसने दिया, डेढ़ उसने दे दिया। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एज 21,600। गुडविल अगर 21,600 है, जेड ब्रिंग्स इन रिक्वायरमेंट ऑफ गुडविल, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द न्यू फर्म वाज 24,000। The profit for the year of the new firm amounts to gross net assets such as goodwill and distributed profits. तो कोई बात नहीं है, इसमें कुछ बात नहीं है। अगर फर्म की, इसमें पता नहीं गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स क्या लिखा है, हालांकि बुक में कोई गुडविल दी नहीं है, तो ये जो इसने गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स है इसको डिलीट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, गुडविल है ही नहीं बुक्स में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 21,600 अगर देखो इसका, इनका सैक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, इन्होंने इक्वल रेशियो में कर दिया है, तो 1:1 सैक्रीफाइस रेशियो है। तो 21,600 अगर है तो ये कितना लाएगा, ये 3/10 लाएगा, 21,600 × 3/10, तो ये कितना लाएगा, 6,480 ये गुडविल का शेयर लाएगा, तो वो दो इक्वल में ले जाएंगे, तो ए को मिलेगा 3,240, वाई को मिलेगा 3,240, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट कितना है, 24,000, 24 तुम्हें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3
थ्री तो उसको मिलेगा, तो 5/3 में से इसको 1.5 चला जाएगा, तो तुम्हें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना है तुम्हें। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालोगे? हाँ सर निकाल सकते हैं। उनका सेक्रीफाइस कितना है, एक्स का सेक्रीफाइस कितना है? सर एक्स का सेक्रीफाइस है 3/10 का 1/2, तो एक्स का सेक्रीफाइस है 3/20। इसी तरीके से वाई का सेक्रीफाइस भी है, एक्स का भी सेक्रीफाइस है 3/20, वाई बाय सिक्स सेक्रीफाइस भी है 3/20। तो न्यू रेशियो निकाल सकते हो? हाँ सर। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना है 5/8 माइनस 3/20। इस तरीके से तुम्हें एक्स का न्यू रेशियो निकालेगा, वाई का निकलेगा, जेड को उसी हिसाब से प्रोपोर्शन करोगे तो न्यू रेशियो निकलेगा, तुम्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। सेक्रीफाइस रेशियो तो दिया है 1:1 और तुम्हारे न्यू प्रॉफिट रेशियो निकलेगा 19:9:12। उस रेशियो में तुम क्या करोगे, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कुछ मुश्किल नहीं है। गुडविल अगर कैश में नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर 18, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, तो उसको तो यहाँ पे कैश देना था 60,000, उसने नहीं लाया तो हम क्या करेंगे, हम उसके यहाँ पे करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। या तो वो कैश लाए तो ठीक, नहीं तो हम उसका करंट अकाउंट खोलते हैं और उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो कर लेते हैं। ये तुम्हारी जो बुक है कल्याणी पब्लिशर्स की, जेके बोर्ड के लिए बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर बुक्स शोड गुडविल एट द रेट 2000। तो गुडविल तुम्हारी ओल्ड 2000 थी। सी इज एडमिटेड विद 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड ब्रिंग्स 10,000 बट इज नॉट एबल टू मेक गुडविल और इन केस ऑफ शेयर ऑफ गुडविल रुपीज रिजन गिव नेसेसरी। अब यहाँ पे दिया ना गुडविल बैलेंस शीट में है 2000। सबसे पहले अगर गुडविल बैलेंस शीट में 2000 है तो उसको क्या करोगे, सर इसको हम खत्म करेंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जो 2000 की गुडविल है उसको खत्म करोगे। तो वो कुछ रेशो में करोगे, सर ओल्ड रेशो में 3:2 में उस गुडविल को जो बुक्स में है उसको खत्म करेंगे। तो तुम्हारे दो पार्टनर्स कौन से थे, ए और बी, तो क्या करोगे, सबसे पहले एंट्री ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो तुम्हारी ओल्ड गुडविल थी 2000, इसको तुम ओल्ड रेशो में खत्म करोगे। ठीक है, किस रेशो में करते हैं, सर 3:2 में, तो 5 इसे करोगे, तो ये 1200 बियर करेगा, ये 800 बियर करेगा, खत्म हो गया। अब सी को कितना लाना है, सर सी को 3000 लाना है गुडविल का। अब उसने नहीं लाया तो क्या करेंगे, सी इज करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना 3000, जो उसको गुडविल लाना था 3000 उसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, सर क्रेडिट ए और बी को करेंगे, किस रेशो में, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, सर इनने सी को लाया है 1/4 के लिए, सी को अगर 1/4 के लिए लाया है और ये नहीं बोला है कि किस रेशो में दिया है, तो हम किसको रेशो में मानेंगे, सर इन्होंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, सर 3:2 है, तो हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्या होगा, 3:2, तो 2 ए इज कैपिटल अकाउंट, इसके 5 इसे करेंगे, 2B इज कैपिटल अकाउंट, बहुत आसान है। तो यहां पे हमने क्या सीखा, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है पुरानी, उसको राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स का उस गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज अ लॉस टू द फर्म, एसेट का लॉस है, उस एसेट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, डेबिट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। अब जब नई गुडविल है 3000, वो सी को लानी थी, सी लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, सी नहीं लाएगा तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये 3000 किसको देगा, ए और बी को, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, 3/2, कैसे पता चला 3/2 है, क्वेश्चन में बोला था सी को 1/4 मिलेगा बट बोला नहीं था किस रेशो में मिलेगा, तो आपने वो पीएसआर में शेयर करेंगे, पीएसआर में शेयर करेंगे तो 3:2 था, तो सैक्रिफाइस भी क्या निकलेगा, 3:2, बहुत आसान था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 भी है, ये अडॉप्टेड बाय जेके बोर्ड से है, अडॉप्टेड फ्रॉम जेके बोर्ड, ये देखेंगे क्या है। समझ आ रहा है ना बच्चों? हाँ सर आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है तो मुझे बता दो। ठीक है, कैसे बताएं सर, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो। जयदीप, क्वेश्चन नंबर 19, जयदीप राजू एंड सोनू आर पार्टनर्स इन 1/4, 2/5, 7/20। अगर ऐसी चीजें हैं ना, सबसे पहले रेशियो को सेम लाया करो। क्या लाया करो, सेम लाया करो। कैसे सर, ये जे है जयदीप, उसके बाद राजू है, उसके बाद सोनू है, तो जे आर एस है, तो इसको कितना है 1/4, मतलब 4 में से एक हिस्सा। इसको कितना है 2/5, 5 में से 2 हिस्से,
इसको कितना है 7/20, 20 में से 7 हिस्से। अगर ऐसा चीज है तो इन सब को क्या करो, सेम रेशो में लाओ। तो इन सब में 4, 5, 20, तो कॉमन क्या है जो हर किसी के टेबल में आएगा 20, तो सबका डिनोमिनेटर 20 लाएंगे। इसको 20 लाने के लिए क्या करेंगे, 4, 5 ज़ा 20, 1 5 ज़ा 5, तो 5/20। इसी तरीके से इसको कितना है 5, 5 को क्या करेंगे सर, इसको करेंगे इंटू 4, इसको करेंगे इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, और ये क्या है 7/20। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है, 5:8:7, 8 5 7 7 7 और 8 15 और 5 20, तो 20/20। अगर तो मतलब 20 इससे करेंगे, इसने क्या बोला था 4 में से 1 मिलेंगे, तो 20 में से कितने मिलेंगे 5, इसको 20 में से 8, इसको 20 में से 7, अब सेम आ गया। तो अब आप बोल सकते हो 5:8:7, ये अगर कोई करेगा 1:2:7 वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है, पहले डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो 5:8:7। अब क्या है, अब इन्होंने दीपक को लाया, दीपक को लाया, तो ये फर्म का नाम बना है JRSD, ठीक है। दीपक को जो लाया, राजू रिटेन्ड हिज ओल्ड शेयर, राजू बोल रहा है भाई मुझे पहले भी 8/20 मिल रहा था, मैं अब भी 8/20 लूंगा, मुझे डी को कुछ नहीं देना है। पार्टनरशिप में हर पार्टनर की मर्जी होती है, ठीक है। वायर एज जयदीप एंड सोनू सेक्रीफाइज 20% एंड 40% ऑफ दियर शेयर फॉर दीपक। तो जयदीप जो है और सोनू, जयदीप ने इसका 20% और सोनू ने इसका 40% किसको दे दिया, दीपक को दे दिया। तो तुम्हें बोलना है पहले गुडविल ऑफ दीपक के शेयर इज वैल्यूड है 24, मतलब गुडविल जो दीपक ने लानी है उसका वैल्यू 24,000 है, जो ऑब्वियसली कौन लेगा, जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है, जो जे और एस को सेक्रीफाइस हो रहा है तो उनको मिलेगा वो 24,000, आर को तो कुछ मिल नहीं रहा है, उसको पहले जितने सुपर प्रॉफिट्स मिलेंगे अब भी उतने सुपर प्रॉफिट्स मिलेंगे। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इसका तो हमें पता है 8/20, तो हम क्या पहले देखेंगे, हाँ सर हम देखेंगे पहले जे का सेक्रीफाइस कितना है, जे का सेक्रीफाइस है 5/20 का 1/5। 1/5 कैसे, 20% कितना होता है, 20% का मतलब क्या होता है 20/100, तो अब इसको करो 21 ज़ा 25 ज़ा, तो 1/5, तो ये आपने प्रॉफिट का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका सेक्रीफाइस है 5/100, क्या है 5/100, वेरी गुड। अब जे का न्यू शेयर बोल सकते हो, हाँ सर जे का न्यू शेयर है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, वो इसका न्यू शेयर आएगा, तो 100 5 20 into 5 5 5 25, सर इसका सेक्रीफाइस है 20/100। इसी तरीके से अगर तुम आर का देखोगे तो आर ने तो कोई चेंज नहीं, आर में छोड़ सकता हूं मैं, सोनू सेक्रीफाइस दे सकता हूं, सोनू का सेक्रीफाइस कितना है, सर सोनू ने सेक्रीफाइस किया है 7/20 का 40%, तो 40 का मतलब क्या होता है 40% का 40/100, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 20 से 22 ज़ा 25 का, तो 2/5, तो इसने अपना 2/5 सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये आएगा 100 7 2 ज़ा 14, तो इसने 14/100 सेक्रीफाइस कर दिया। तो सर एस का न्यू शेयर कितना है, सर वो 7/20 है माइनस 14/100 जो इसने इसको दे दिया, तो विच इक्वल टू 100 5 7 ज़ा 35 माइनस 14 विच इक्वल टू 21/100, ठीक, हाँ सर ठीक। अब R का शेयर कितना था, R का शेयर है 8/20, अब इसको भी 100 में लाएंगे तो इसको क्या करेंगे 5/5, तो ये आएगा 5 8 ज़ा 40 और ये आएगा 40/100। अब क्या बचा हमारा JRSD, D का शेयर कितना है, सर D को क्या है, डी को दे रहा है, ये दे रहा है 5/100, ये दे रहा है 14/100, तो इसको मिलेगा 5/100 जे से प्लस एस से मिल रहा है इसको 14/100, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर प्लस हो जाएगा 5 + 14 = 19, इसको 19/100 मिल रहा है। तो हमारा जो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो है जे का है 20 इज टू आर का है तुम्हारा 40,
इज टू, फिर तुम्हारा एस आया, एस का 21 आया और इसका 19 आएगा। वो तो तजी का शेर तो वो गई शीत अक्षीत कुनु हाथ। तो अब 100 ऐसे हो जाएंगे तो जे को इतना मिलेगा, आर को इतना मिलेगा, एस को इतना मिलेगा, डी को इतना मिलेगा। अब तुम्हें क्या निकालना है इसके बाद, सैक्रीफाइसिंग रेशो। इस जानान का तो कोई सैक्रीफाइस हुआ ही नहीं, तो सैक्रीफाइस इनका क्या है, 5:14 सैक्रीफाइस है। इसके 5 से सैक्रीफाइस हो रहा है, इसका 14 सैक्रीफाइस हो रहा है। तो 5:14 इज द 19 जो इसको मिल रहा है 19। तो इसका सैक्रीफाइस ये कौन कर रहा है, जे बेचारा 5 इसे बियर कर रहा है, आर कुछ नहीं कर रहा है, एस 14 कर रहा है। तो जो ये गुडविल के पैसे लाएगा 24,000, वो जे और एस को मिलेगा 14,000 किस रेशियो में, 5:14 रेशियो में। ठीक है, तो उसका शेयर कितना है 24,000 इंटू 5/19, तो 6,316 जो है वो जयदीप को मिलेंगे और 17,684 जो है वो सोनू सूद को मिलेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको ये समझ आया है। ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है क्योंकि अभी 41 मिनट्स हो गया, अभी हम गुडविल पर ही है, तो हमारा ये 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसके, तो आज हम रिवाल्वेशन तक करेंगे, उसके बाद फिर हम कंप्रेहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे कल। ठीक है, अब गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड क्वेश्चन नंबर 24, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, पता नहीं। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एग्री टू एडमिट आर व्हेन द शेयर 1/4, ही पेड 30,000 फॉर कैपिटल, हाउ फॉर गुडविल टू ही गेव स्टॉक 10,000 एंड फर्नीचर 5,000, शो जर्नल एंट्रीज। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसने 20,000 कैपिटल के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 20,000। तो कौन सा पार्टनर था, पार्टनर का नाम क्या है, आर, तो आर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे 20,000, और इसने क्या दिया सर, इसने स्टॉक दे दिया, तो तुम क्या करोगे एंट्री, गुड्स अकाउंट डेबिट, तुम्हारे गुड्स कितने आ गए, या स्टॉक अकाउंट डेबिट, अब स्टॉक लिखा है तो मैं स्टॉक वो यूज करता हूँ, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 और फर्नीचर 5,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसने 15,000 गुडविल का पैसा लाया, और ये 15,000 गुडविल का शेयर किसको मिलेगा, ये पी और क्यू को मिलेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। वहां पे कैश आता था, तो हम कैश, कैश तो बिजनेस में ही रहता, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रीमियम का गुडविल का शेयर था वो पी और क्यू को देते। यहाँ पे ये स्टॉक आया, कोई बात नहीं है, तो बिजनेस में ही रहेगा, और पी और क्यू को उसका क्रेडिट दे जाएंगे 15,000 किस रेशो में, इन देयर सैक्रीफाइस रेशो। अब सैक्रीफाइसिंग रेशो नहीं दिया है, तो 1/4 इसको मिला है, ये किस रेशो में मिला होगा, पीएसआर में मिला होगा, तो सैक्रीफाइस जो 3:2 है, तो इसके 5 ऐसे करेंगे, इसको 9,000 मिलेगा, इसका 6,000 मिलेगा, कुछ मुश्किल नहीं सर। वहां पे कैश आता तो हम क्या करते, कैश को बिजनेस में ही रखते थे ना, फिर वो मर्जी थी उनके, वो निकालते या नहीं निकालते, तो फिर एंट्री करते थे, अगर वो निकालते तो फिर एंट्री करते, नहीं तो वो बिजनेस में रहता कैश। यहाँ पे बिजनेस में स्टॉक रहेगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट हम उनकी कैपिटल में दे देंगे। हिडन गुडविल का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, पहले भी कर दिया था, मतलब अगर गुडविल का पैसा नहीं दिया जा रहा है बुक्स में, बट अगर जो नया पार्टनर आ रहा है वो ज्यादा पैसे ला रहा है एज कम्पेयर टू जितनी कैपिटल्स है, तो हम बोलेंगे जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो गुडविल है, तो उस गुडविल का शेयर उसको फिर लेना पड़ेगा अलग से। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 25 है तुम्हारा, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 8,000 एंड 6,000। ए है और बी है, ए की कैपिटल 8,000 है, बी की कैपिटल 6,000 है, फिर क्या हो गया आगे, दे एडमिटेड सी एज द 1/4 शेयर, सी ने 1/4 शेयर के लिए 8,000 कैपिटल लाई, 8,000 कैपिटल लाई, यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। अब अगर इसने कैपिटल 8,000 लाई,
हम बोलते हैं इसने कैपिटल लाई 8,000 प्रोपोर्शनल टू हिज प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे ये assumption है प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। अगर 1/4 के लिए इसने 8,000 लाया तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? सर टोटल कैपिटल होनी चाहिए फिर 8,000 × 4, सर वो तो 32,000 है, तो टोटल कैपिटल फिर 32,000 है, मगर टोटल कैपिटल कितनी है? कैपिटल कितनी है सर? 8,000 ए की प्लस बी की 6,000 प्लस इसकी 8,000, तो वो आएगा 8 × 6 = 14 और 8 = 22। सर इसको बोला हमने 1/4 शेयर के लिए तो 8,000 ला, मतलब 1/4 के लिए तो 8,000 ला, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 32, बट टोटल कैपिटल सम करेंगे वो कितना आ रहा है? 22, तो शॉर्टफॉल कितना है? 10,000, तो 10,000 क्या है फिर? सर ये हिडन गुडविल है, क्या है? हिडन गुडविल है, तो इसमें कितना शेयर लाना पड़ेगा? सर इसको लाना पड़ेगा 10,000 का 1/4, इसको 2500 लाना पड़ेगा, जो ए और बी को मिलेगा इन दियर सेक्रीफाइस रेशो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इनका सेक्रीफाइस रेशो, इनका पीएसआर रहेगा, तो अगर नहीं लिखा है उनका कितना था तो एज्यूम करेंगे दे वर इक्वल्स, तो 1250 ए बियर करेगा, 1250 बी के, ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, मतलब इसकी कैपिटल के बेस पे हम बोलते हैं टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वाइजा भाई आप तीनों की टोटल कैपिटल कितनी है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो गुडविल है, उतना पैसा वो लाएगा, ठीक है, ये गुडविल के डिफरेंट केसेस थे, तो वो तुम सारे कर देना। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो हम क्या करते हैं, उसी जिस दिन एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है उस दिन रिवैल्यूएशन होता है, इसका ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जितना भी आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने आज तक जो मेहनत की थी या उनसे बिलोंग करता था ओल्ड प्रॉफिट, तो आज से रियलाइज होता तो उनको मिल जाता ये, तो अब पार्टनर आएगा तो ये पता नहीं कब मिलेगा, तो क्या करेंगे आज के डेट में रिवैल्यूएशन करेंगे, एसेट्स को नए वैल्यू पर दिखा देंगे, जितना भी प्रॉफिट आएगा वो ओल्ड पार्टनर देंगे, और अगर हम बोलेंगे नहीं एसेट को हम पुरानी वैल्यू पर लिखाएंगे, तो ये एक तरीका है, पहले एसेट्स को बढ़ाओ फिर मेमोरेंडम में एसेट्स को घटाओ, तो रेज इन ओल्ड राइट इन न्यू, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो तीनों पार्टनर को, और फिर जब राइट ऑफ करोगे वो न्यू रेशो में तीनों में करोगे, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनोगे, ठीक है। अब तुम्हारा जो है वो सारे क्वेश्चंस कर लेना, एक क्वेश्चन जो तुमने बोला है कि सर तुम दिखा दो, तो वो है क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 में तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस तुम लोग कर देना, कोई डाउट होगा तो मुझे बोल देना, ठीक है, बट कभी भी लॉजिक्स पे कंप्रोमाइज मत करो, फॉर हेवन सेक मैं बोल रहा हूँ, लॉजिक्स पे कंप्रोमाइज मत करो। मैं सारे क्वेश्चन नहीं दिखा सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट तुम लोगों में अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे मैसेज करें, मैं वहां पे उसको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द पार्टनर्स इन 2:1 रेशो, दे एडमिटेड सी 1/4, द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन टू प्लेस ऑन एडमिशन, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कुछ मुश्किल बात नहीं है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट रहता है, ठीक है, और जो प्रॉफिट आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है। सबसे पहले क्या है, स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 15,000, स्टॉक को कम करना है, तो स्टॉक को कम करोगे, एसेट को कम करोगे तो क्या करोगे सर? एसेट को क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो ये तुम्हारा नुकसान हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक को कम करोगे कितना सर? स्टॉक को कम करेंगे 15,000 से, ठीक है, तुम्हारा नुकसान हो गया। उसके बाद बिल्डिंग 2,00,000 ये इंक्रीज बाय 6%, 2,00,000 का 6% 24,000, बिल्डिंग को बढ़ाना है तो एसेट को बढ़ाना है तो एसेट को क्या करोगे सर? डेबिट करोगे बाय बिल्डिंग 24,000। डेटर्स 9,000 राइट ऑफ, डेटर को राइट ऑफ कर रहे हैं, डेटर को खत्म करना है, डेटर एसेट है उसको खत्म करना है, क्या करना है? क्रेडिट करना है, एंट्री क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 9,000। क्रेडिटर 7500 गे ऑफ दियर क्लेम, 7500 के डेटर थे, उन्होंने बोला हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, तो क्रेडिटर क्या था हमारा? लाइबिलिटी। अब वो लाइबिलिटी क्या हो जाए? कम। लाइबिलिटी को कम करोगे क्या करोगे? डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी को से कम हो जाए डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये हमारा फायदा हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स 7500, ठीक है, तो ये हमारा फायदा हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अमाउंटिंग टू 33,000 रिकॉर्डेड, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 जो तुमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तो एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, थ्री थाउजेंड। अब देखो तुम्हारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ, 15,000 तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, कैसे? टू सिक्स, सॉरी 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 यार, टू और सिक्स का मुझे बहुत बार दिक्कत होता है,
टू सिक्स और ट्वेल्व, पता नहीं मेरा 24 क्यों हो रहा है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे एक और गलती हो रही है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, मतलब ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे लोन पे इंटरेस्ट देना, तो दिस इज माय एक्सपेंस, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन बैंक लोन, ये मेरी लायबिलिटी खड़ी करनी है मुझे, तो एंट्री क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल, तो इसमें असल में जो एंट्री होती है वो इस तरह से होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, या बैंक लोन को तुम बढ़ाते हो और फिर इस इंटरेस्ट को डेबिट है, इसको क्या लो जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो इंटरेस्ट हो जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है 3000, समझ आई बात, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3000, एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल, या बैंक लोन का जो वैल्यू है उसको बढ़ा दोगे टू बैंक लोन अकाउंट, तो बैंक लोन का लायबिलिटी बढ़ जाएगा, और बाद में इस इंटरेस्ट को कहां करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे, नॉर्मली पीएनएल में जाता है बट अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3000, अब देखो कितना है 15 और 9 24000, 24000 और 3000 27000, यहां पर 19500, तो तुम्हारा 7500 का लॉस हुआ, ये 27000 हो गया, 27000 के लिए शॉर्टफॉल कितना पड़ रहा है 7500 रिवैल्यूएशन लॉस है, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू जो तुम्हारे ओल्ड पार्टनर है ए और बी इन देयर ओल्ड रेशो 2:1, तो तीन इसे करेंगे 2500 2500 5000, तो ये 5000 बियर करेगा, ये 2500 बियर करेगा रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट एक बैंक लोन था जो तुम्हारा एक्सपेंस था, ठीक है, इस तरीके से हमारे आज क्वेश्चन नंबर 30 तक सारे हो गए, कल हम क्वेश्चन नंबर 33 से करेंगे जो तुम लोगों ने मुझे दिया है, 1 2 3 वो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का 4 क्वेश्चन है, और फिर एडजस्टमेंट कैपिटल 5 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन है, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, इस तरीके से 2 दिन में हमारा एडमिशन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद रिटायरमेंट में भी होपफुली 2 दिन हमें लग जाएंगे, इस तरीके से हमारा ये पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अभी 3 लेक्चर्स और होंगे, एडमिशन का 1 होगा और रिटायरमेंट जाते मैं कम से कम 2 ले रहा हूं, तो 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो मंडे तो ये आ रहा है आपका, ये मंडे को लेक्चर आ रहा है, ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे और फ्राइडे से हम इंशाल्लाह कंपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चन कर लो जो अभी तक कर दिए हैं, कल फिर हम कंप्रेंस करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, टिल देन सी यू।